जो आपने जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर नगर में पोस्टर स्वागत पोस्टर लगाए गए थे वो आपके हटा दिए गए, तो क्यों हटाए और किन्ने हटाए हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के आह्वान पर मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा नीमच से प्रारंभ हुई और 10 तारीख को महेंद्रपुर विधानसभा में प्रवेश होने वाली थी। उसको लेकर सभी लोगों में उत्साह है और कल झाड़ा में भी हमने एक बड़ी बैठक की जिसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष अन्य पदाधिकारी भी थे कि भाई अधिक से अधिक लोग पहुंचे और अगवानी करें और भव्य स्वागत करें, अपील करें। इससे जनमानस में एक भारतीय जनता पार्टी के प्रति और सहानुभूति बढ़ेगी और कार्यकर्ता में जोश बढ़ेगा और उसी को वातावरण को लेकर मैंने राष्ट्रीय नेता यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय मंत्री, संभाग प्रभारी, जिला प्रभारी, यात्रा प्रभारी, जिला अध्यक्ष, सांसद, इन सब के फोटो लगाते हुए उसमें अपन ने अपील की थी और 2-3 दिन से लगातार और नगर में चर्चा का केंद्र एक बहुत अच्छा लगा। आज पहली बार इतने सब नेताओं के, जिला प्रभारी, मंत्री जी, सबके फोटो लगे हैं और अच्छा लग रहा है। और वैसे कई पोस्टर लगते हैं तो कभी सभी का उपयोग करते नहीं, आपने समायोजित किया ऐसा कई लोगों ने, उससे क्या मालूम कि वो सोचा वर्तमान विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बहादुर सिंह जी ने और अपना पोस्टर उतरवा के उस पर पोस्टर लगाया। ये मुझे अभी भी आपके आने से ज्ञात हुआ है और एक तो फोन भी आया नगर से, मैं तो उधर गया भी नहीं। मैंने जैसे मुझे ज्ञात हुआ तो मैंने जिला अध्यक्ष जी, जिला प्रभारी जी और यात्रा प्रभारी जी को अवगत कराया है और उसमें वो संज्ञान में लेकर संगठन उनको निर्देश दे रहा है क्या होता है, परंतु उनको इस प्रकार की हरकत नहीं करना चाहिए क्योंकि बड़ा मन करना चाहिए। और जब हम बड़ी लकीर खींच रहे हैं और फिर से प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं और वो केवल महेंद्रपुर के विधायक नहीं है भाई, मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष है, ऐसी हरकत करने से ऐसा लगता है कि वो विचलित है, कहीं ना कहीं संगठन ने उनको कहीं कुछ कहा होगा या उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार पार्टी मुझे उपयोग नहीं करेगी या जनता जनार्दन है, देती तो छप्पर फाड़ के देती, नहीं तो कपड़े भी उतार लेती है। इस भावना को लेकर कहीं ना कहीं मन में विचलन है और अस्थिरता है और व्याकुलता है। यात्राओं में और कहीं ना कहीं चर्चाओं में उनसे आप मुझसे ज्यादा मिलते हैं और आभास होता रहता है। निश्चित रूप से मैं तो भगवान भूतभवन महंकाल का भी सवारी का एक चित्र लगा था और वो भी देवादिदेव महादेव का भी चित्र उन्होंने उतार के नीचे फेंका है। निश्चित रूप से ईश्वर उनको माफ नहीं करेगा इस घटना से और मैं उससे आहत हूँ, संगठन इसकी चिंता लेगा। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने चिंता ली। क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो वर्तमान विधायक प्रदेश उपाध्यक्ष से लगातार जनता में आक्रोश भी है और ऐसे में कई विवादित बयान भी देते हैं, वो लगातार पार्टी में भी विवादित बनाए रहते हैं, तो ऐसे में क्या पार्टी उन पर कार्रवाई नहीं करती? क्या आप आला अधिकारी कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता भी, तो क्या पार्टी को अवगत इस बारे में नहीं कराया? देखिए, पार्टी को सारी रिपोर्ट जानकारी में, समय आने पर जनपद अध्यक्ष और मंडी अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है, हटाया जा सकता है, सरकार हटा सकती है, पर विधायक को 5 साल तक कोई हटा नहीं सकता। समय आने पर संगठन निर्णय लेता है। तो हाल ही में हमने चर्चा की राष्ट्रीय जनसंपर्क अभियान के जिला संयोजक, उन्होंने हमें बताया कि जिस तरीके से वर्तमान विधायक बहादुर सिंह चौहान जिन्होंने पोस्टर वार के करते हुए उन्होंने पोस्टर जो कि जन आशीर्वाद यात्रा का क्षेत्र में लगा हुआ था उनका हटा दिया गया है और वो लगातार आहत भी इस बात को लेकर पार्टी के वरिष्ठ आला अधिकारियों को अवगत भी कराया है, तो हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश उपाध्यक्ष व विधायक है वो कई बार विवादित स्थिति में रहे हैं क्योंकि उन्होंने हाल ही में कुछ दिन पूर्व में भी जो महेंद्रपुर विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ था उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में 4 सीटें हरवाने की बात भी कही थी वो साथ ही पार्टी में खुद को मालिक भी बताया था। ऐसे कई विवादित स्थिति में बयान भी लगातार देते आते हैं वो, साथ में मध्य प्रदेश में विवादित सबसे विधायक सबसे विवाद स्थिति में रहने वाले विधायक भी हैं, तो तमाम इन बातों को लेकर नगर में जन आशीर्वाद यात्रा व चुनाव से पहले कई ऐसे मामले सामने आने लगे हैं। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए उज्जैन से अंकित जायसवाल।